बस लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाते रहिए, कमेंट करते रहिए थोड़ा सा, तो हम लोग का हौसला बढ़ेगा और हम लोग अच्छे से कंटेंट बस बस लेते बढ़ गया आएंगे। बढ़ गया बढ़ गया। आलू चना पूड़ी और हलवा ऐसे रख लिया है पेट में, एकदम देसी तरीके से खाने की आदत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू टेक्स एंड टेल्स विद 3M। और आज है नवरात्र का लास्ट डे और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश हुई थी कल काफ़ी। तो अभी हम सो के उठे हैं और अभी जाएंगे नहाएंगे, नहा धो के आएंगे, उसके बाद अपना पारण करेंगे, उसके बाद अपने काम पे लग जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग नहा धो के रेडी होके आ गए हैं। मैंने पहना हुआ है कुर्ता और रितु ने पहना हुआ है साड़ी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू देसी व्लॉगर्स। माता रानी का भोग ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अभी हम लोग नहीं, रितु छान रही है पूड़ियाँ, पूड़ी की तैयारी हो रही है। हलवा बन चुका है, हलवा बहुत बन बढ़िया लग चुका रहा है है बढ़िया। मुझे। और ये बना है आलू चने की सब्जी और ये पूड़ियाँ तली जा रही हैं। अभी दो सब्जियां नहीं बन सकती थी, आलू की अलग और चने की अलग, इसीलिए एक ही बना डाले। अच्छा लगता है ऐसे ही आलू चना की सब्जी तो ऐसे ही। दोस्तों वीकडे में हम लोग इतना व्लॉग नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग भी नौकरियां करते हैं अपनी अपनी, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि फ्राइडे सैटरडे संडे एटलीस्ट अरे वीकेंड मुझे वो छानने वाला ढूंढ के, जल्दी छन। जल्दी। अच्छा मुझे क्यों नहीं दिखते हैं ये सब चीजें? ऐसा होता है। दोस्तों हम लोग कोशिश करेंगे कि फ्राइडे सैटरडे संडे को व्लॉग व्लॉग्स जहाँ तक हो पाए ले लाएँ। और ये संडे को जैसा कि मैंने बोला था पॉडकास्ट अच्छा खासा रिकॉर्ड होने वाला है, नोन ऑथर से और एक अच्छे प्रोफेशनल से, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल से। तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मार्केटिंग और करियर से रिलेटेड चीज़ें। तो दोस्तों ट्यून रहिए। और फिलहाल हम लोग देखिए पूड़ियाँ छन रही हैं बढ़िया, मंदिर भी दिखाइए। पूड़ियाँ बढ़िया छन जाएंगी। उसके बाद हम लोग माता रानी की आरती करेंगे। माता रानी की आरती के लिए दोस्तों हम लोग ने, जब हम लोग का गैप आ गया था डेली ब्लॉक्स में, तो हम लोगों ने बीच में एक मंदिर भी लाया था नया, तो ये है। उन्होंने सोचा कि भगवान के रहने के लिए भी एक ठीक ठाक अच्छी साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, तो ऋतु का ये आइडिया था। ऋतु ने बोला एक मंदिर चाहिए, तो हम लोगों ने मंदिर में देवी जी को बैठा दिया, देवी देवताओं को बैठा दिया और वहीं पूजा पाठ होता है। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग भोग रेडी कर लें, पूजा कर लें, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। हमें गर्व है हम भारतीय हैं क्योंकि हमको भारत में इतना बढ़िया बढ़िया टेस्टी खाना खाने को मिल जाता है। दोस्तों देखिए आज बना हुआ है आलू चना पूड़ी और हलवा ऐसे रख लिया है प्लेट में, एकदम देसी तरीके से खाने की आदत है। दोस्तों भोग ग्रहण कर रहे हैं करीब 9 दिन के फास्टिंग के बाद, तो अच्छा लग रहा है। घर पे हवन भी हो रहा है, हवन वन होगा उसके बाद पारण होगा। तो हमारा पारण अभी हो रहा है क्योंकि अभी ऑफिस जाएंगे हम, करीब 11 बज रहे हैं। और चलिए दोस्तों फिर खाते हैं, टेस्ट करने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि प्रसाद हमेशा अच्छा होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में कुछ होगा नहीं, घर आएंगे फिर से कंटिन्यू करेंगे हाँ ब्लॉग। हलवा खाली बताइए। हलवा खा लेते हैं, हलवा खाते हैं, जीतू की फरमाइश पे हलवा। मेरा फेवरेट हलवा। जीतू का फेवरेट भी है हलवा और जीतू की स्पेशलिटी भी है हलवा। अरे वाह, गजब बना है आज बेस्ट बना है, एकदम वो, बढ़िया। एकदम बढ़िया, घुल जा रहा है एकदम मुंह में। दोस्तों आपसे शाम को बात करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट, तो शाम को आके आपसे बात करेंगे, थोड़ी सी वार्तालाप करेंगे, फिर मिलेंगे आपको कल। कल सुबह मैच है तो कल का ब्लॉग तो आना ही आना है। आज शाम को देखते हैं, आज शाम को ब्लॉग अगर आएगा आएगा, ये तो फिर मिलते हैं आपको कल। हलवा बहुत बढ़िया बना है दोस्तों, बहुत ज्यादा बढ़िया बना है, एकदम रसीला, एकदम। हलवा बढ़िया बनाया। और तो कैसी लग रही है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए। मैंने जल्दी जल्दी में साड़ी बांध लिया दोस्तों, क्योंकि मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं हो एकदम पाती, पीली पीली बनी हुई है आज। लेकिन मेरे को लगा कि फेस्टिवल है तो बांध लेनी चाहिए, ऐसे नहीं वो करना चाहिए, इसलिए बांध ली। अभी थोड़ी ठीक तरीके से बांध लूंगी इसको, लेकिन साड़ी बहुत प्रिटी है ना। यस बहुत प्रिटी। हेलो दोस्तों, तो मैं वापस आ गया हूँ ऑफिस से और आज फ्राइडे, तो आज पूरा फ्राइडे मूड मूड ही रहा ऑफिस में भी। आज बहुत दिन बाद अन्न खाया है तो थोड़ा सा आलस भी आ रहा है क्योंकि अन्न हैवी होता है और बहुत दिन बाद खाइए, थोड़ा सा बॉडी अडैप्ट नहीं कर पाती और आलस बना रहती है। फिलहाल
चाय पियेंगे कुछ, चाय पी के उसके बाद थोड़ा सा वॉक पे जाएंगे बाहर, और आज शाम को थोड़ा सा मूवी का मूवी नाइट करेंगे दोस्तों। ऋतु की बैक प्रॉब्लम वजह से भी इस मूवी देखे हुए हम लोग को करीब हो गया है 3-4 महीना हो गया है, 5 महीना3-4 महीने हो गया। मुझे लग रहा है ये साल हम लोगों ने एक भी मूवी नहीं देखी है। हाँ वैसे भी इतना हम लोग बहुत ज्यादा मूवी देखते भी नहीं थे, लेकिन इस साल तो इस वजह से तो बिल्कुल मूवी, जैसे स्त्री 2 आई थी तो स्त्री 2 हम लोग को बहुत मजा देखने का, लेकिन हम लोग देख नहीं पाए थे क्योंकि बैक इशू था और इतनी देर तक बैठ नहीं सकती वो किसी हालत में। तो स्त्री 2 फाइनली अमेजोन पे आ गई, तो हम लोग आज रात में प्लान किए हैं कि हम लोग देखेंगे, हम लोग इसी का वेट कर रहे थे। और उसमें एक बहुत ही दर्द भरी खबर कल आई कि रतन टाटा जी का निधन हो गया, और मतलब ये खबर ऐसे थी कि इतना इतना दुख, अंदर से इतना दुख लग रहा था जैसे कि अपने ही परिवार का कोई सदस्य गया है, और ये देख के मतलब इतना गर्व महसूस होता है कि हम भी उसी धरती पर पैदा हुए, इस धरती पर ऐसी महान शख्सियत ने जन्म लिया रतन टाटा जी, और मतलब दिल ये सोच कर ही खुश हो जाता है कि दुनिया के सबसे हाईएस्ट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में से एक, टाटा सन्स के चेयरमैन रहे, उन्होंने टाटा सन्स को ऊंचाई तक पहुंचाया। किसी भी फील्ड का नाम ले, हम लोग उस फील्ड में टाटा है। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी धन, इतना दौलत, इतना कुछ मुकाम हासिल करने के बाद भी उन्होंने टाटा को, टाटा की जो नींव है वो यहाँ के इथिक्स, यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ की मॉरल वैल्यूज हैं, और इतना प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी उन्होंने उसको मेंटेन रखा है इतने सालों तक, जो कि बड़े से बड़े लोग नहीं कर पाते। शायद तभी रतन टाटा जी की इतनी इज्जत है पूरी दुनिया में, इस समाज में। बिजनेसमैन होना या पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, जो इज्जत उन्होंने कमाई है वो इज्जत कमाना बड़ी बात होती है। उनको देख के लगता है वो एक तरह से हमारे लिए आइडियल है कि अगर बिजनेस करो या कुछ भी करो जिंदगी में तो ऐसे करो, नहीं तो मत करो। 2 नंबर का पैसा कुछ भी कमा लेते हैं, पैसे के पीछे भाग के कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना, अपने मॉरल वैल्यूज को मेंटेन रखना, उसके बाद भी ऐसा मुकाम हासिल करना, ये बहुत ही बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से ये हम लोग को रतन टाटा जी से सीखना चाहिए, उनका नाम हमेशा के लिए अमर रहेगा, आने वाली पीढ़ियां उसे सीखेंगी। उन्होंने जितना कुछ किया इस देश के लिए, मेरे ख्याल से शायद ही कोई है जो ऐसा कर पाया है। तो हमारी तरफ से रतन टाटा जी को विनम्र श्रद्धांजलि। दोस्तों तो फाइनली खाना वाना हो गया है, आज बहुत दिन बाद दाल चावल खाया। दाल चावल खा के जो मजा आता है ना, वो कहीं और नहीं आ सकता। और दाल चावल साथ जो घी मिल जाए, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता दोस्तों। रात करीब 9 बज रहे हैं, और आज जो देखा वो इतना ही था, आज तो कुछ दिखाने को था नहीं। आज बाहर नहीं गए हम लोग, कल जाने की थोड़ा सा प्लान है, शायद जाएं बाहर क्योंकि वीकेंड है, तो आप लोग कुछ दिखाना तो पड़ेगा ही, तो हम लोग बाहर जाएंगे, घूमेंगे, थोड़ा दिखाएंगे आप लोगों को, खाएंगे। थोड़ा सा आपका मोटिवेशन चाहिए, थोड़ा हौसला चाहिए, आप थोड़ा मोटिवेट करते रहेंगे तो हम लोग व्लॉग बनाते रहेंगे, बेंगलोर लाइफ दिखाते रहेंगे आपको, और जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ भी आपको सैर कराएंगे। और दोस्तों ऋतु से भी मिल लीजिए, आज बहुत कम दर्शन हुए होंगे ऋतु के, आप लोग मिस कर रहे होंगे आप ऋतु को। सुबह साड़ी में, शाम को टी शर्ट में। अरे ये दोस्तों जिंदगी, हमारे पति ने हमको गिफ्ट दिया है, दिखाइए दोस्तों। हमको क्यूट से क्रॉक्स मिले हैं, इस पे छोटे छोटे स्टिकर्स लगवा दिए हैं हमारे पति ने, बच्चों जैसे। बच्ची तो है तुम, छोटू इधर आ जा। ये लेना जरूरी था दोस्तों, ये बहुत जरूरी था, सब लेना जरूरी होता है ये दोस्तों। लेना जरूरी इसीलिए था कि मैंने दुकान पे ले जाके खड़ा कर दिया था नहीं, ये लेना इसीलिए जरूरी था क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि कंफर्टेबल फुटवेयर्स पहनने हैं आपको, तो इसके लिए हम लोगों ने इस पे इन्वेस्ट किया है। देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है, अगर अच्छा लगा मुझे तो मैं आप लोग को भी रिकमेंड करूंगी, अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। अभी तक कैसा लग रहा है? अभी सब तो अच्छा लग रहा है, आज मैंने वॉक किया इसमें, अच्छा है। आपने तो दिल की बात जो कहने वाले दोस्तों ने तो की नहीं अभी तक, कौन से दिल की बात, ये अपनी दिक्कत वाली। दिक्कतें दोस्तों चलती रहेगी जिंदगी में, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहते रहिए कि आप ठीक हैं, ठीक है। इसके बारे में बात बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों इतना ही था आज का सफर, कल जाएंगे, कल थोड़ा सा घूमेंगे, मिलेंगे आपसे, तो फिर दिखाएंगे सबको थोड़ा सा बाहर के चकाचौंध,
आज तो हम लोग की मूवी नाइट है, हम लोग जाएंगे मूवी देखने। तो उसी के साथ मिलते हैं आपको कल। किस किसने दोस्तों स्ट्रीट टू देख ली है ऑलरेडी, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम लोग ऐसे हुआ करते थे कि मैं तो कोई भी घटिया से घटिया मूवी जो है वो थिएटर में देखने के लिए इतनी एक्साइटेड हुआ करती थी, और ये साल हम लोगों ने थिएटर में एक भी मूवी नहीं देखी है, एक मूवी नहीं देखी। नॉट इवन अ सिंगल मूवी। तो मतलब ये भी एक तपस्या ही हो रखी है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाह रही थी कि क्या कहते हैं दोस्तों, आपको क्या देखना पसंद है ब्लॉग में? जैसे खाना डेली हम लोग जो है वो इतना ज़्यादा कर नहीं पाते हैं आजकल, तो मेरा भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा कम हो गया है ब्लॉग्स में, क्योंकि मैं मोस्टली टाइम लेटे रहती हूँ। यस दोस्तों, कब कब कमेंट लाइक करते रहिए और भरोसा रखिए कि हम लोग अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देंगे। फिलहाल जो कुछ हमारा भी है हौसला बनाए रखिए दोस्तों, अपना भी हौसला बनाए रखिए, और अपने आप को कहते रहिए सब ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट भी लाइन अप है, तो आप बस लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाते रहिए, कमेंट करते रहिए थोड़ा सा, तो हम लोग का हौसला बढ़ेगा और हम लोग अच्छे अच्छे बस कंटेंट बस, लेते बढ़ आएंगे। गया बढ़ गया बढ़ गया। तो दोस्तों उसी के साथ मिलते हैं आपको कल। शुभरात्रि, जय श्री टिल राम, देन हर डू हर लाइक शेयर महादेव। कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल व्हिच इज टेस्ट एंड टेल्स विद रिया। शुभ रात्रि, जय ठीक श्री है, राम, हर महादेव, प्रभु कृपा बनाए रखे आप सबके परिवार पर। जय माता बाय, दी। जय माता नेक्स्ट दी, लेट्स ब्लॉग। रॉक।